हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शताक्षीज़ किचन। आज मेरी बेकिंग रेसिपी है कोकोनट कुकीज़। ये बेकरी स्टाइल कोकोनट कुकीज़ है। मैंने बटर लिया है 30 ग्राम। बटर रूम टेम्परेचर पे होगा। कुकीज़ के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और मैंने आइसिंग शुगर 40 ग्राम्स लिए हैं। मैं यहाँ बटर को अच्छे से बीट कर रही हूँ। अच्छे से बीट करके मैं क्रीमी टेक्सचर रेडी करूँगी। प्रॉपरली बीट करेंगे हम बटर को। उसके बाद मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड करके उसको मिक्स करूँगी 1 to 2 मिनट्स तक। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बटर का क्रीमी टेक्सचर रेडी कर लिया है। बटर आप रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करेंगे, उससे अच्छे से क्रीमी टेक्सचर रेडी होगा। यहाँ पे मैं 40 ग्राम्स आइसिंग शुगर ले रही हूँ। आइसिंग शुगर और बटर दोनों को मैं मिक्स करूँगी 1 to 2 मिनट्स तक सॉफ्ट हाथ से। अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। अब मैं यहाँ पे 40 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट रखी हूँ। मैं इसको मिक्स करूँगी बटर और आइसिंग शुगर के मिक्सचर में। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। आप मिक्सचर देख सकते हैं। मैं अब ऐड करूँगी 60 ग्राम मैदा ऑल पर्पस फ्लोर। उसे मैं अच्छे से सीव करूँगी। मैदे को अच्छे से सीव कर लेंगे। मैंने मैदे को अच्छे से सीव कर लिया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। मैं यहाँ टॉप्स का बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। मैं मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं हाथ से मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूँगी। इस मिक्सचर पे प्रेशर नहीं ज़्यादा अप्लाई करना है, इसलिए मैं सॉफ्टली हाथ से कर रही हूँ। अब मैं डो रेडी करूँगी। इसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी स्पून बाय स्पून। एक बार में मिल्क ऐड नहीं करेंगे। यहाँ मैं स्पून बाय स्पून मिल्क ऐड करके सॉफ्ट डो तैयार करूँगी।
आप देखिए कितना अच्छा मिक्सचर रेडी हो रहा है। यहाँ मैंने डो रेडी कर लिया है, अब मैं डो को रेफ्रिजरेट करूँगी कवर करके 1 आवर्स तक के लिए। मैंने इसे कवर कर दिया, अब इसको चलिए हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं 1 आवर्स के लिए। आफ्टर 1 आवर्स मेरा डो रेडी है, बहुत अच्छा डो रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने एक बोल में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अब मैं इस डो के 8 पार्ट्स करूँगी, छोटे छोटे लोइयों जैसे। मैंने डो के 8 पार्ट्स कर लिए हैं, अब मैं सॉफ्ट हैंड से सर्कुलर मोशन में राउंड करूँगी। मैं इन लोइयों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही, आप देखिए कितनी अच्छी लोइयाँ रेडी हुई हैं। ऐसे ही मैं सारे लोइयों को रेडी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लोइयों को डेसिकेटेड कोकोनट में डिप कर रही हूँ और बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ। मेरी कुकीज़ रेडी हैं बेक होने के लिए। मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट को हल्का सा स्प्रिंकल की ऊपर। अभी मेरे पास पार्चमेंट पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे केक टिन में बेक कर रही हूँ कुकीज़ को। आप कुकीज़ बेक करने के लिए बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर पहले डालेंगे, उसके बाद कुकीज़ जो रेडी हैं उनको रख के आप बेक करेंगे। कुकीज़ रेडी है बेक होने के लिए। चलिए मैं प्री हीटेड ओवन में रखती हूँ। यहाँ पे मैंने ओवन को पहले से प्री हीट करके रखा है 15 मिनट्स तक 160 डिग्री पे। अब मैं इसे बेक कर रही हूँ 160 पे 20 to 25 मिनट्स तक। आफ्टर 20 मिनट्स कुकीज़ रेडी हैं, बेक हो चुकी हैं अच्छे से। अब मैं इसे कूल करूँगी, इसे स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर यूज़ करेंगे।
फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब शताक्षीज़ किचन एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर कुकिंग अपडेट्स।